और ये किस तरह होगा? ये सवाल अब भाई राणा साहब इन्हों को कुकर छोले खुआओ इन्हों मेहरबानी। मेरे बुजुर्गों भाइयों और नौजवान साथियों, भाई राणा साहब ने कहता तुम कुकर छोले उन्हें खुआने नहीं, शाबाश फिक्र ना करो, ये तुम घंटा घर ले जाएंगे उतने कुकर छोले खुआने, बैजो बैजो शाबाश। तो मैं आपको ये कह रहा था, आप पूछेंगे कि शहबाज शरीफ ये खुशहाली का सफर किस तरह आएगा, तो मेरा जवाब सुन लो, उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की नुसरत से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। ये किस तरह तरक्की का सफर, ये किस तरह खुशहाली का इंकलाब आएगा, ये उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने चीन से सीपैक में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कराई थी और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला था और सड़कों का जाल बिछा था और पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे थे। आप पूछेंगे कि किस तरह ये 5 साल में महंगाई कम होगी, ये उसी तरह कम होगी जब नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3.5% थी। मेरे बुजुर्गों फैसलाबाद के बुजुर्गों भाई और नौजवान साथियों, मैं आपको आज ये पैगाम देने आया हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कशकोल अबे बैठ जाना, और ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास फैला देंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क्यादत में मेहनत अमानत और दयानत के सफर से होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जिंदगी रही तो नवाज शरीफ की क्यादत में उसके एक अदना वर्कर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पहले हम लाखों लैपटॉप देते थे, नवाज शरीफ के अगले दौर में हम पूरे पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को और बच्चियों को लैपटॉप देके पाकिस्तान की अजमत को बुलंद करेंगे।